चंपारण बिहार से आश्रम के समीप कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय के संबंध में राष्ट्र के नाम संदेश। मैं समस्त देशवासियों को नमन करता हूँ। दिनांक 21/5/2009 को SGS सेवा एंड सर्विस के डायरेक्टर कुमारी रजनी गंधा, एडवोकेट एंड एडवाइजर NGO प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक व्यक्ति मेरे नाम से पत्र लेकर आया। हम अपने समिति के सदस्यों एवं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को पत्र दिखाते हुए सर्वसम्मति से द्वारा विद्यालय को NGO द्वारा चलाने को तैयार हुए। वह आदमी जो लेकर पत्र आया था वह 3 दिन रहकर विद्यालय का सभी कागजात तैयार किया और कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद महिला विश्वविद्यालय महिला विकास समिति रखा। इस नाम से लेटर पैड तैयार कराकर मेरे द्वारा सहायक निबंधक सह महानिरीक्षक IG रजिस्ट्रार निबंधन विभाग नया सचिवालय पटना बिहार को दिनांक 26/5/2009 को निबंधित डाक द्वारा स्पीड पोस्ट किया गया और उसकी प्रतिलिपि अंडर सचिव गृह मंत्रालय नई दिल्ली, दूसरा सचिव सामाजिक अधिग्रहता न्याय मंत्रालय दिल्ली, सचिव CVS बोर्ड नई दिल्ली, सचिव शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, सचिव NGO प्रोजेक्ट नई दिल्ली को प्रेषित है, जिसकी रसीद मेरे पास है। इस NGO द्वारा प्राकालिक बजट सत्र 2009 और 2010 का कुल 2,08,09,350 रुपया है। उपलब्ध बातों से मैं सहमत न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से 3 बार मिलकर दिनांक 18 अप्रैल 2013 को भितियारवा आश्रम के निरीक्षण के बाद राम जानकी एवं शिव मंदिर का दर्शन कराया। चूंकि यह मंदिर मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता बनाया, सन 1917 के पूर्व की मंदिर है। इस मंदिर परिसर से जानकारी मुझे मिली थी। कस्तूरबा विद्यालय को दिखाते हुए पूर्ण व्यथा सुनाया तो मुख्यमंत्री जी कहे अपने प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह से कि कस्तूरबा का नाम जोड़ते हुए किया जा सकता है। सचिव कहे कि हो सकता है। इसी बात पर मुख्यमंत्री कहे कि मैं मंदिर आश्रम और विद्यालय को एक में कर दिया जाए ताकि बाहर से जो पर्यटक आए तो देखे कि एक ही संस्था का है। किंतु वह विद्यालय श्री अंजनी कुमार सिंह के सौजन्य से NGO द्वारा संचालित है। यह बात स्वयं श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा जानकारी मुझे मिली थी। मेरा उस समय जब ये हेलीकॉप्टर से आए थे मेरा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से करबद्ध प्रार्थना है कि चुनाव के पूर्व इस विद्यालय को सरकार अपने स्तर से समुचित कार्रवाई कराकर पूर्व प्रधानमंत्री सहित दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों सांसदों एवं गणमान्य लोगों का चरण कमल पड़ा है उस पर NGO बनवाए, यह अच्छी बात नहीं है। कृपया पुनः विचार करें। हम रहें या नहीं रहें किंतु यह पुनित कार्य देश हित के लिए जरूरी है। हम इधर जो है 30 जनवरी को बनारस में गया था। वहां पर BHU का जो है फोटो खिंचवा कर मैं व्हाट्सएप पर भेजवाया। उसका मेन उद्देश्य यही था कि जिस तरह बनारस में मदन मोहन मालवीय जी का कीर्ति अमर है, उस तरह हमारे भितियारवा में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का कीर्ति अमर रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।